तो चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। बायोमोलिक्यूल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगेन जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। सीधे सीधे 10 सवाल है, आपको ध्यान से देखना है और सीधे सीधे बस उसको याद कर लेना है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको सारे के सारे 10 सवाल याद हो जाएंगे, आपको इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको आता है तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और नहीं आता है तो क्वेश्चन के साथ मेरा आंसर सुन लेना। आता है तो क्वेश्चन पढ़ लो और अपना गैस लगा लो ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा। पहला सवाल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following vitamin gives below? Given below is water soluble. पूछ रहे कि इसमें से कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है। देखिए अगेन ये मगअप करने वाले सवाल होते हैं, तो आपको आंसर बताता हूं, आपको हमेशा याद रखना मेरे वर्ड्स को, ध्यान से सुनो। एक तो विटामिन सी हो गया और दूसरा विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर विटामिन सी या विटामिन बी का तो कोई लिखा ही नहीं हो, इसका आंसर क्या हो गया? ए। इसका मतलब विटामिन ई भी नहीं है, डी भी नहीं है और के भी नहीं है। बी के अगर आपको ये भी दिख जाते हैं तो वाटर सोल्यूबल होते हैं। सिंपल सा पहला सवाल मगअप करने के लिए, विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस भी वाटर सोल्यूबल। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है, मगअप करने लायक है। द नंबर ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन में पूछ रहा है कितने डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं, फिर से मगअप करने वाला सवाल है। आंसर है इसका 3। एक्चुअल में जो डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं इंसुलिन में 3 होते हैं, जिसमें से 2 तो होते हैं अल्फा और बीटा के बीच में और एक होता है अल्फा और अल्फा के बीच में, मतलब इंट्रा, और ये तो होते हैं इंटर। तो टोटल कितना हो गया? 3। 3 डाइसल्फाइड लिंकेज आपको इंसुलिन में दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस। अगला सवाल देखिए, ये भी अच्छा सवाल है और ये जेईई मेंस 2013 का ऑनलाइन का क्वेश्चन है। कहता है राइबोज एंड डी 2-डीऑक्सीराइबोज कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, इनमें से राइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज को आप किससे डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो देखो दोनों की स्ट्रक्चर तो सिमिलर ही होती है, बस फर्क सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर ये देखिए ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा होता है कि अगर आप राइबोज ले रहे हैं तो यहाँ पर एच और यहाँ पर ओ एच होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें से ऑक्सीजन हटा दिया जाता है, दोनों तरफ एच ही होता है। तो ये तो हो गया आपके पास राइबोज और ये हो गया आपके पास डीऑक्सीराइबोज, तो इतना सा फर्क होता है यहाँ पर इनकी दोनों की, क्योंकि स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ ऑक्सीजन का फर्क होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है जिसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वो है ओसाजोन फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओसाजोन फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्पेशल है, जो कि सिर्फ राइबोज शो करता है, डीऑक्सीराइबोज शो नहीं करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे मगअप करो। राइबोज अकेला ओसाजोन फॉर्मेशन करता है, इसके अलावा कोई नहीं, और इसके अलावा कोई भी रिएजेंट नहीं है जिससे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। 2013 का फ्री का क्वेश्चन था, मजे से 4 नंबर आप ले सकते थे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनीमिया अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। देखिए ये भी एक नॉलेजेबल और क्या है, ये मगअप करने वाला सवाल है। एटीपी 2012 का क्वेश्चन, और सीधे सीधे इसका आंसर है विटामिन, आंसर है विटामिन विटामिन B12। बहुत आसान सा जवाब था इसका, डी आंसर है इसका। सो विटामिन B12 की कमी से हमें अनीमिया का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, कहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। आपको सबको पता है प्रोटीन किससे बनता है, अल्फा अमीनो एसिड से बनता है। जो इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बाहर निकलेगा? अल्फा अमीनो एसिड। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए। बहुत आसान सा सवाल है और बहुत आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हो, आई थिंक आपको याद हो रहा होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन एटीपी 2010 का क्वेश्चन है। कहता है पॉलीसेकेराइड हैव, कौन से लिंक होते हैं पॉलीसेकेराइड्स में? बहुत ही फेमस, अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है तो ग्लाइकोसिडिक लिंक होते हैं, बहुत ही फेमस नाम है। आप बायो मोलिक्यूल से गो थ्रू करोगे तो आपको ये बार बार दिखाई देगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस। अगला सवाल जो कि बहुत अच्छा सवाल है, अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरा सेकंड फेवरेट कौन सा है तो ये मेरा सेकंड फेवरेट क्वेश्चन है। एटीपी 2005 का क्वेश्चन है और ये है जो जिसके आने के चांसेस हैं सबसे ज्यादा, सेकेंड सबसे ज्यादा। तो क्या क्वेश्चन है? इन एन एल्कली मीडियम ग्लाइसिन प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट एज एज कैसे वो एग्जिस्ट करता है, क्या ग्लाइसीन, वो पूछा आपसे। तो ज्यादातर बच्चे इसमें सी आंसर लगा के आते हैं जबकि वो गलत है, एक्चुअल में आंसर है इसका बी। अब क्यों? सबसे पहले तो ग्लाइसीन जो होता है ग्लूटराइन की फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो ग्लाइसीन है उसको देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ग्लूटराइन की फॉर्म में होता है, लेकिन उसको जैसे ही आप बेसिक मीडियम में डाल दोगे तो OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस यहाँ से एच प्लस को ले लेगा अपने साथ, और जब एच प्लस को लेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, तो यहां से बचा क्या, सी डब्ल्यू माइनस। तो ये एनाइन की फॉर्म में आ जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बी इसका आंसर है और इसके आने के चांसेस सेकंड हाईएस्ट हैं। फिर से बताता हूँ, यहाँ पर जो ग्लाइसिन है वो ज्वेटराइन की फॉर्म में होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता तो न्यूट्रल है लेकिन चार्जेस होते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और इसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन जैसे आप इसको बेसिक मीडियम में डाल दोगे तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि वहां से एच प्लस आयन को वो ले लेगा, नेगेटिव आयन बचेगा, इसलिए वो कैसा कैसा हो जाता है, न्यूट्रल से एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। दो द आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। ये बहुत अच्छा सवाल था, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, ये बहुत अच्छा सवाल है, ग्लूकोज किससे रिएक्ट नहीं करता। A3EEE 2003 का क्वेश्चन है। दो ऐसी चीजें जहां से ग्लूकोज रिएक्ट करता ही नहीं है, जिनसे पहला तो शिफ्ट बेस से रिएक्ट नहीं करता, और दूसरा जो है वो है ये, नाउ लुक एट इट, NaHSO3, सोडियम बाई सल्फाइट। याद रखिएगा सोडियम बाई सल्फाइट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं होता, वो कार्बन नंबर 5 से क्या बना रहा होता है, वो कार्बन नंबर 5 से एसिटेल बना रहा होता है, हेमी एसिटेल बना रहा होता है, तो वहां पर वो फ्री नहीं है, तो यहाँ सिर्फ बेस से रिएक्ट नहीं करता और सोडियम बाई सल्फाइट से भी रिएक्ट नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर है डी। फिर से बोल रहा हूं, ग्लूकोज किससे रिएक्ट नहीं करता, सोडियम बाइसल्फाइड से या शिफ्ट बेस से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, शिफ्ट बेस यहां दे नहीं रखा तो इसका आंसर हो गया डी। अगला सवाल विच इज माई फेवरेट, मैंने आपसे कहा था मेरा फेवरेट है, क्या कहता है जो A3EEE 2010 का क्वेश्चन, और ये कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय मोलिस टेस्ट। अब मोलिस टेस्ट होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, सिर्फ इतना ही है कि आपको क्या करना होता है, आपको उस कंपाउंड को H2SO4 के अंदर डालना होता है, जिससे वो उसको क्या करता है, डिहाइड्रेट कर देता है, यानी कि वो एक्चुअली डिहाइड्रेट हो जाना चाहिए। अब ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो H2SO4 से डिहाइड्रेट हो जाता है, शुगर। सबको पता है H2SO4 की प्रेजेंस में शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है, तो सबको पता है ना डिहाइड्रेट हो जाती है। सो फाइनली यहाँ पर शुगर इसका आंसर है। और ये मोलिस टेस्ट क्या होता है, इसीलिए खास है, मोलिस टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, ये टेस्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, और कंपाउंड्स विच कैन बी डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 की प्रेजेंस में जो डिहाइड्रेटेड हो जाए, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकाले, उन कंपाउंड्स के लिए मोलिस टेस्ट होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, शुगर। ये आपका 9th नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया गाइस। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर इस वीडियो के, और लास्ट क्वेश्चन है ये, और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, हम वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन क्यू, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, दिल से चाहते हैं, इसलिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं सुबह एक और शाम को एक वीडियो डाल रहा हूँ, और प्लीज बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जरूर 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 लाइक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर वीडियो पर लाइक करें, सब्सक्राइब करके जाएं और शेयर करें इन वीडियोस को जितना ज्यादा हो सकता है, और कमेंट करके जाएं। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिख के जा सकते हैं, छोटे छोटे चार काम आपको करने हमें बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप ये करते हैं तो हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ऐसी अच्छी वीडियोज मैं आपके लिए डेली लेकर आऊंगा। हम जो चाहते हैं वो सिर्फ इतनी सी बात चाहते हैं कि आप प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके जाओ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाओ। चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द रीजन फॉर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑपरेशन ऑफ, ये बहुत आसान सा आंसर है, इसका आंसर है हेलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ए आंसर है इसका, और ये भी बगअप करने वाला सवाल था। सो गाइज ये मेरी तरफ से 10 क्वेश्चन हो गए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला तो कोई कोई भी वीडियो आपसे मिस हो सकती है। थैंक यू सो मच गाइज, अगले वीडियो में मिलते हैं 10 अल्टीमेट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।